नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि अपना जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक नर्सिंग काउंसिल से दूसरी नर्सिंग काउंसिल में अगर ट्रांसफर करना हो तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ बेल आइकन दबा दे ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आने वाले कभी मिस नहीं करोगे। तो चलिए गाइस, बिना देर के पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। रजिस्ट्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, और हर नर्सिंग काउंसिल के प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। यहां पे मैं जो कॉमन प्रोसेस होती है उसी की बात करने वाला हूं, उसी को आपको फॉलो करना है। लगभग जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं हर स्टेट उसको फॉलो करता है। तो सबसे पहले आपको जिस भी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां पे जाना है। वहां पे आपको एक फॉर्म मिलने वाला है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसके बाद में आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जीएनएम की सभी इयर्स की मार्कशीट, जीएनएम का डिप्लोमा, या आपने बीएससी नर्सिंग की है तो बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की डिग्री, और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इन सभी की फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पे जमा करवा देनी है, और आपको वहां से एक रिसिप्ट मिल जाएगी। लगभग 2000 से 3000 के बीच की ये रिसिप्ट होती है। यानी आप जिस भी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पे जाए, फॉर्म फिलअप करें, और सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएं, फिर वहां पे जो 2 से 3 हजार की रिसिप्ट होती है वो ले लें, और जो 2 से 3 हजार की जो फीस है वो उस नर्सिंग काउंसिल की डीडी के रूप में भी आप दे सकते हैं, और आप अपने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी वहां पे पे कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फॉलो कर लेनी है सबसे पहले उस नर्सिंग काउंसिल में जाके। उसके बाद में ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में 10 से 15 दिन का आपको वेट करना है, और आपको जाना है अपनी पेरेंट काउंसिल में, यानी जहां पे अभी वर्तमान में आपका रजिस्ट्रेशन है वहां पे जाना है। वहां पे आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, कि सर मैं है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो आप मुझे एनओसी दीजिए। तो वहां पे आपको फिर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है, और आपका जो ओरिजिनल नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो वहां पे जमा कर लिया जाएगा, और आपको 200 या फिर 500 या 700 रुपए की जो रिसिप्ट है वो दे दी जाएगी। ये सारी प्रोसेस आपकी पेरेंट काउंसिल कर देगी। और यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि जो एनओसी है या तो वो बाई हैंड दे देंगे, तो आपको बाई हैंड आपकी एनओसी लेनी है और जिस नर्सिंग काउंसिल में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पे जमा करवा देना है, या फिर जहां से आपने एनओसी ली है वो खुद जिस नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पे इस फील्ड रिपोर्ट से भेज देंगे। अब ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है जहां पे आपने करवाया है, वहां से आरएनआरएम नंबर मिलकर आपको आपके घर पे पहुंच जाएगा, स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा। ये कॉमन प्रोसेस होती है, लेकिन कुछ जो स्टेट है वहां पे प्रोसेस में चेंज है, कुछ स्टेट में ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन ही आपको वहां पे एनओसी मिल जाती है, और ऑनलाइन ही आपको जो आरएनआरएम नंबर है वो मिल जाते हैं। दिल्ली जैसे स्टेट में क्या होता है कि वहां जैसे ही आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है, आपसे रेफरेंस पूछा जाता है कि आप किस हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, किस लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट का एक रेफरेंस देना होता है। वहां से फॉर्म अप्लाई के लिए आपको एक फॉर्म मिलता है, वो जाकर दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में आपको देना होता है। उसके बाद में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको आपके जो 2 या 2500 की फीस है, रिसिप्ट है, वो ले लेते हैं, हाथों हाथ आरएनआरएम नंबर दे देते हैं, और आपकी पेरेंट काउंसिल से आपकी एनओसी खुद ही मंगवा के, और आपको 2 से 3 महीने में आपको जो परमानेंट वहां का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो दे देते हैं। और राजस्थान जैसा स्टेट है, राजस्थान में अगर आप नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आए, फॉर्म भरे, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो लगा दें, उसके बाद में आपको 2-2500 की रिसिप्ट मिल जाएगी, और उसके बाद में आपकी जो भी पेरेंट काउंसिल है वहां पे आपको 10 से 15 दिन बाद में जाना है, वहां पे एनओसी के लिए अप्लाई करना है, वहां से एनओसी लेनी है, या वो एनओसी सीधे जो आपकी काउंसिल में जहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पे वो भेज देंगे, और 2 से 3 महीने बाद में आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो आपके घर पे
आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे रहती है गाइज, इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन कॉमनली प्रोसेस यही होती है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, जिस भी नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहाँ पे जाना है, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड मेन होना चाहिए, उसके बाद में आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपके नर्सिंग के जो भी सर्टिफिकेट्स है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मार्कशीट है, उन सबकी फोटोकॉपीज वहाँ पे जमा करवानी है, फिर रिसिप्ट है लेनी है वहाँ से, 2 से 2500 की रिसिप्ट लेनी है, उसके बाद में आपके जो भी पेरेंट काउंसिल है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एनओसी के लिए अप्लाई करना है और वहाँ से एनओसी आप बाई एंड ले सकते हैं, स्पीड पोस्ट से अपनी जो काउंसिल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहाँ पे भेज सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में आपके घर पे आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके यूजफुल होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर दें, क्योंकि किसी न किसी कैंडिडेट्स को इस चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है और लोग काफ़ी सर्च करते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं, तो मैंने पर्सनली वीडियो बनाकर सबको सूचित कर दिया। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।